front of all of you and being able to connect with all of you. I am a daughter. I am a sister. I am a wife. I am a mother. I am a human. I am me. I am an actor. I'm a health coach. I'm a social worker. I am the woman I want to be. The world... How does the world define a woman? A man with a different gender? बहुत मुश्किल है ना. How do you define a woman? I think हिंदी में बात करूंगी तो बिल्कुल सही चीज हो जाएगी, क्योंकि स्त्रीलिंग को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है. सृष्टि कहो तो स्त्रीलिंग, दुनिया कहो तो स्त्रीलिंग, जिंदगी कहो तो स्त्रीलिंग, प्यार का हर शब्द कहो तो स्त्रीलिंग. व्हेन यू टॉक अबाउट निष्ठा, आस्था, शक्ति, व्हेन यू टॉक अबाउट प्यार, ममता, करुणा, भक्ति, एवरीथिंग इज स्त्रीलिंग. अब क्या होता है कि वुमेन्स डे आते ही हम सब यूं ही मिल जाते हैं और स्त्रीलिंग का नारा लगाते हैं, सोचते हैं कि भाई वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करें, और बात वहीं पे खत्म हो जाती है, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता. सो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज ओनली द बिगनिंग. ये बस एक शुरुआत है जहां पर हम हमारे बारे में, स्त्रियों के बारे में, फीमेल्स के बारे में, वुमेन के बारे में बात करेंगे और बात जारी रखेंगे थ्रू आउट द ईयर. आई वुड लाइक टू थैंक मंगा देमली, माई फ्रेंड, हु इनिशिएटेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट वी रीच अक्रॉस टू वुमेन, अक्रॉस ऑल बैरियर्स, अक्रॉस ऑल एजेस, हर स्ट्रेटा के सोसाइटी. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्विटेशन से आप लोग आ सकते हो, बात कर सकते हो, एंड वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ, हाउ हेल्थ अफेक्ट्स ऑल आर लाइव्स. शायद आप लोगों को पता भी नहीं हो, लेकिन हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें जो कोई हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम बकायदा मेडिसिंस इन्वेंट करते हैं, उनकी स्टडीज ज्यादातर मेल्स पे की जाती है. दैट मीन्स इफ अ पर्टिकुलर मेडिसिन और पर्टिकुलर थिंग इज अफेक्टिंग अ वुमन, शायद कहीं वो स्टडीज नाकाम हो सकती है या नॉट अप टू द बेस्ट मार्क. सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. We need to talk about कि health मतलब सिर्फ तंदुरुस्त रहना और अपने आप काम करना, वो बात नहीं है, लेकिन हर स्टेज एक औरत की जो लाइफ की हर स्टेज होती है, भले ही वो प्यूबर्टी हो, प्रेगनेंसी हो, मेनोपॉज हो, हर वक्त एक वुमेन की बॉडी चेंजेस, इट अंडरगोज चेंजेस, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है मेंटली, फिजिकली, जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है. आज हम उन लोगों से बात करने वाले हैं, उन औरतों से बात करने वाले हैं, उनको सराहने वाले हैं जो ये सारी चीजों से गुजर चुकी है. शायद उनको भी तकलीफ हुई है, वो अपनी बातें शेयर करेंगे, बताएंगे हम लोगों को कि क्या तकलीफें उन्हें हुई उस दौरान, कैसे वो तकलीफों से आगे बढ़ी, हाउ दे मैनेज टू मेक थिंग्स वर्क फॉर देम इन देयर लाइव्स, अचीव देयर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, या घर बार कैसे संभाला उन्होंने, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया, और शायद उसमें से हम सबको इंस्पिरेशन मिल सकती है, शायद उनको और हमको कुछ सीख मिल सकती है, क्योंकि बात करने से बात बनती है. और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम उसे नज़रअंदाज ना करें. बहुत ज़रूरी है कि हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करें, बिकॉज
In our country, we make up for 48.5% of the population. मतलब आधी population women है, आधी population हम स्त्रियों की है, और फिर भी स्त्रियों के बारे में कोई बात नहीं करता. उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या difficulties है, कैसे उन्हें आसान किया जा सकता है, कैसे उनको एक ऐसा अटूट और स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बनाया जा सकता है जो सिर्फ ना ही उनके लिए पर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. बिकॉज विथ एवरी वुमन दैट डिसाइड्स टू वर्क, एट एवरी वुमन दैट डिसाइड्स टू पुट हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, शी मेक्स अ डिफरेंस टू हर सोसाइटी, टू आवर नेशन, एंड इट बिगिन्स फ्रॉम हर फैमिली एट होम. So today I would like to invite these lovely women on our panelists, and we shall have the discussion right here on their journey and how they could achieve their success in life. Thanks a lot, ma'am. That was a wonderful way to start this, the context of the event. I would like to invite our first guest, Ms. Bhavna Somaiya. Thanks a lot for joining us here today. Ms. Somaiya is a luminary in Indian cinema, renowned for razor-sharp critiques and deep knowledges of the craft. Over four decades, her contributions to the industry as a journalist, author, and commentator have earned her a place amongst the most revered voices in the field. Her incisive commentary had graced the pages of India's most respected publications, while her biographies of legendary actors of Indian cinema, Hema Malini and Amitabh Bachchan, are testaments to her commitment to preserving Indian cinema's rich history. Bhavna's legacy is one of passion, dedication, and an unwavering love for the art.
So now, without much ado, I think we should get started. Thank you, all you lovely ladies, for joining us. बहुत जरूरी है कि हम बात करें उन सारे बातों के बारे में जो हम हमारी जिंदगी में हो गया, समझ लिया, कर लिया, ये कहकर कहीं ना कहीं संदूक में बंद कर लेते हैं और भूल जाते हैं. So first and foremost, let me talk to you, Bhavna ji. How was your journey in actually taking things forward, where at a time, 40 साल हो गए आपको इस लाइन में, और उस वक्त, उस जमाने में ये नहीं था जहाँ पे औरतें actually could go and go out into the field and do work. तो journalism एक बहुत एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे फिजिकली यू हैव टू बी प्रेजेंट टू मीट पीपल, टू इंट्रोड्यूस पीपल, टू गेट देयर थॉट्स फॉरवर्ड. तो आपको इसमें कैसी दिक्कतें आई और कैसे आपने इनको सॉल्व किया? सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू टू असेंबल हियर फॉर द वुमेन्स डे. आई डोंट थिंक वुमेन नीड Women don't need just one day to celebrate ourselves. Every day of the week, of the month, of the year is our day, my day, your day. But even then, it's good to celebrate, to assemble together. Mujhe aise lagta hai ki 45 years ago when I started, maybe 45, yeah. To us waqt aisa nahi tha ki aurte kaam nahi kar rahi thi. And particularly, I grew up in a home which had, we are 8 siblings, 6 sisters and 2 brothers. और हमारे घर में कोई gender discrimination, gender inequality नहीं था कि ये लड़कियाँ कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते. मैं जब से बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी बड़ी बहनों को काम करते हुए देखा है, घर में भी, बाहर भी. तो सबसे एक natural progression था कि graduation कर लिया, post graduation साथ में चालू था कि आप काम करोगे. I was pursuing journalism and law at the same time. In the morning I was studying law and in the evening I was pursuing journalism. तो मेरे father को शायद ये hope थी कि जब दोनों exam ख़त्म हो जाएंगे तो मेरी बेटी मुझे कहेगी कि मैं lawyer बनना चाहती हूँ. मगर law इतना boring था कि मेरा तो दिल उब गया. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो writer बनूँगी. तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि बेचारी भूखे मरेगी, पैसा तो है नहीं लाइन में. तो जो भी था, बन गई राइटर. परिवार से कोई भी कनेक्टेड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से. ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि राइटर बनना है. सिर्फ इतना पता था कि मुझे फिल्में पसंद है और लिखना पसंद है. तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन था. और कॉलेज करते करते कैसे स्टूडियोज़ में जाती थी, किस तरह से लोगों को इंटरव्यू करती थी. अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप एक अपने माँ बाप की दी हुई बातों को याद रखते हो, तो आपको सिग्नल मिल जाते हैं जब आप डेंजर जोन में होते हो. तो उस हिसाब से बस, एक्चुअली मेरे माँ बाप ने ऐसे सोचा था कि इट्स अ पासिंग फैड और वो थोड़े दिन में उब जाएगी और उसमें टैलेंट तो कुछ है नहीं, तो हम देख लेंगे बाद में. और उनका डर ये था कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री से रिमोटली भी कनेक्टेड है तो उसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिटी इतनी रिग्रेसिव थी. बट शो बिजनेस में क्या है कि अगर आप, इट्स अ वन वे स्ट्रीट एंड यू शुड नो दिस, अगर आप पूरी जिंदगी पे कोशिश करोगे तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी. मगर अगर आप इस लाइन के लिए बने हो तो आपके लिए दरवाजे, खिड़कियाँ सब खुलेंगे. और आप हजार मन्नतें मान लो कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, अगले महीने छोड़ूंगी, अगले साल छोड़ूंगी, अगले दशक को छोड़ूंगी, आप छोड़ ही नहीं सकते हो. मैं तो कब से छोड़ रहे का सोच रही हूँ, 45 years हो गए. तो आपको जैसे कोई दिक्कतें नहीं हुई. रुचि, आप आज के जनरेशन की हो, तो आपकी लाइफ स्टोरी में और इनकी लाइफ स्टोरी में सिमिलैरिटी थी या आपको दिक्कतें आई? मतलब कंसिडरिंग कि आजकल सब मॉडर्निटी है, सारी चीज़ें अलाउड हैं, क्या आपको दिक्कतें आई इसी लाइन में आने के लिए?
एक मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं मतलब इंडिया में पली बड़ी नहीं थी, तो द लैंग्वेज वॉज अ प्रॉब्लम. बट आई वॉन्टेड टू बी इन दिस इंडस्ट्री, सो आई वर्कड लिटिल एक्स्ट्रा हार्ड. इन द बिगिनिंग आई मेनली रोड फिल्म्स इन इंग्लिश, लाइक इवन हजारों ख्वाहिशें, तो द नेम डजंट सजेस्ट इट, इज एक्चुअली अ फिल्म इन इंग्लिश. But through the years, I've, you know, made an extra effort to learn the language. At one point, I even wrote the dialogues for Calcutta Mail. So I was most proud of myself. And of course, now I direct, and it's all in Hindi. So how many siblings are you? So there was me and my sister. My parents, I grew up in the Middle East, so my parents always lived there, and I came to Bombay. I don't know why, I mean, I do know why, because my family is from Delhi, and my parents said, you can study and go to college anywhere in India, because we want you to connect with your roots. So then I chose Bombay because my extended family was in Delhi. क्योंकि रुचि अपने बारे में बता नहीं रही है, इसलिए मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी वॉज अ फिल्म बेस्ड ऑन द इमरजेंसी एंड इट्स द बेस्ट फिल्म ऑन इमरजेंसी. और उस वक्त मैं एडिटर स्क्रीन की थी और हमने ये फिल्म को अवार्ड दिया था. और कैलकटा मेल इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशो पोलिटिकल इशू बेस्ड फिल्म विच वॉज अ वेरी स्टरिंग स्टोरी. It's very close to my heart. It didn't do well. That's a different thing. इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि रुचि जी ने ऑल्सो एक फिल्म बनाई है अबाउट वुमेन्स नॉलेज ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. आजकल हम सब हमारी बेटियों को ये तो सिखा देते हैं कि काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने पैसे को कैसे संभालना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता. सब अपने हस्बैंड के ऊपर, ब्रदर के ऊपर, फादर के ऊपर निर्भर रहते हैं कि जो हम कमाई करते हैं उसे कैसे संजोया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है. एंड दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑल अबाउट. तो इन्होंने इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया एक फिल्म बनाई है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल गेट टू सी इट वेरी सून. सविता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप न्यूज़ चैनल की एडिटर हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप सुनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती हैं जो शायद जनता तक नहीं पहुँच पाती. क्या आपको ये लगता है कि जैसे हम विमेंस डे पे यूं ही बात कर लेते हैं, आज सारी औरतें बैठे हैं, पर ये उस दौर तक ही सीमित रहता है? क्या आप आपके चैनल के द्वारा ये कहानियों को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप ये कोशिश करती हैं? बिल्कुल, एक प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहीं लिखित नहीं होता है, लेकिन जिसे जो मैंने, मैं जिनकी जगह पर आई हूँ वो राजीव जी से ही ये सीखा. एक 70-30 का प्रिंसिपल है. 70% हम आपको वो कहानियाँ देते हैं जो आप चाहते हैं, और 30% हम आपको वो कहानियां देते हैं जो हमें आपको देनी चाहिए. अब ये हमने आपको क्या देना चाहिए? हम न्यूज चैनल है, 24/7 न्यूज चैनल है, तो हमारा जो ऑडियंस है वो ज्यादातर राजनीति ही देखना पसंद करता है. वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड व्हाट वी रियलाइज इज दैट the audience which comes to 24 hours news channels today, especially Marathi, is interested only in politics. Despite that, we take the effort ki hamare yahan 7-12 jaisa ek program hum dete hain jahan se hum rural India ko agrarian technologies un tak late hain, success stories late hain agriculture ki. Hum साथ ही में महाराष्ट्र के जो शौर्य पुरस्कार करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे दूर दराज गाँव में
लोग इतने कदम उठाते हैं, दे आर अनसंग हीरोज. हम साल भर उनकी कहानियां उजागर करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हें फेलिसिटेट भी करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वी मेक देम फील स्पेशल. और हम उन्हें महाराष्ट्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं. आपको, आप समझेंगे भी नहीं कि गोंदिया के, तिरोड़ा के, कोई अंदर के इलाके में शेर और एक आदत गैया चराने जाने वाले लड़की का कितना बड़ा स्ट्रगल रहता है, रोज का स्ट्रगल रहता है. वो स्ट्रगल में वो लड़की कई बार अपने कभी किसी छोटे भाई को शेर से बचाती है, कभी अपनी गैया को बचाती है. ये कहानियां यहां तक पहुंचना भी बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग वो 30% में ये प्रयास करते हैं. और ऐसे कई सारे हमारे प्रयास हैं जो इस 30% में हम करते हैं. बहुत ही बढ़िया. जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी कहानियां हम तक पहुंचती नहीं, और जब कहानियां पहुंचती है तब हम इस पर क्या आचरण करते हैं, क्या आगे इसको बढ़ाते हैं, क्या इनकी मदद करते हैं, ये हम सबके ऊपर निर्भर है. सविता जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपको कि जब आप न्यूज़ चैनल की एडिटर बनी, तब क्या आपको ये दिक्कत महसूस हुई कि आप आपके घर के तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे पाकर आप काम में ज़्यादा मसरूफ हुई, और इसके कारण क्या आपके हेल्थ पे कभी परिणाम हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एडिटर बनने के बाद नहीं, एडिटर बनने के बाद तो मैं कहूँगी थोड़ा कम ही काम है मुझे. इसके पहले जब मैं ऑन फील्ड रिपोर्टर थी, तो पिछले 25 साल मैं कहूँगी ये ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं, शायद यहाँ से डॉक्टर्स भी मेरे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, स्टाफ भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, कि अगर कहानी 5:30 बजे की है या रात के 3 बजे कहीं आग लगती है या कहीं कुछ होता है, आपको निकलना ही है, कहीं ब्लास्ट हो जाता है. मैंने सालों साल बेसिकली तो नक्सल एरिया का, नक्सलिज्म को बहुत डीपली मैंने जहाँ जहाँ देश में हुआ है उसे रिपोर्ट किया है. मैंने राजनीति में जब चुनाव होते हैं तब हमने एक्सटेंसिवली हर स्टेट में जाकर उसे रिपोर्ट किया है. तो ऐसे समय में कोई आपका समय नहीं होता है, और मुझे लगता है कि ज़रूर इसका बहुत परिणाम होता है. मैं अगर आपको बताऊं, आपने हेल्थ की बात की, एक बार ऐसी जगह पर ब्लास्ट हुआ था, शायद आप सारी लोगों ने सुना होगा, दंतेवाड़ा में, जहाँ पे 76 CRPF जवान जो है वो मारे गए थे, शहीद हुए थे. उस समय में उस स्पॉट पर पहुँचने वाली पहली न्यूज़ चैनल मैं थी. लेकिन हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो रास्ता इतना आसान नहीं होता है. अगर आप किलोमीटर्स में देखेंगे, तो मैं जिस जगह से जा रही थी तो आपको लगेगा आमतौर पर शहर में आप जब घूमते हो तो 4-5 घंटे जाना चाहिए, लेकिन 15-16 घंटे निकल जाते हैं, आप उस स्पॉट पर पहुंच नहीं पाते, इतना कठिन होता है. कठिन, अब वो कहानी भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की असुविधा रहती है. अब मेरे साथ में मेरा ड्राइवर और मेरा कैमरामैन भी था. वो दौर ऐसा था कि जा तो हम जंगल से रहे थे, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिसे एक आप अगर कह दो किसी को कि आई वॉन्ट टू पी, तो आप यू नो यू कैन प्रॉबली आस्क द ड्राइवर एंड द कैमरामैन कि आप सामने देखो. लेकिन तब मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे एक शर्म महसूस होती थी ये कहने के लिए. मुझे याद है कि हम स्पॉट पर पहुँच कर करीब 12:30 बजे, जब एक सुबह करीब 3 बजे से मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं एक ऐसी आश्रमशाला में पहुंच पाई जहां पर बाथरूम थी, रात को 12:30 बजे. और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप प्लीज़ अलाउ मी टू पी. जब वहां गई तो वो जंगल के बीच की आश्रमशाला थी, वो बाथरूम थी, दरवाज़ा नहीं था. जब दरवाज़ा नहीं था तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज़ थी कि कोई बाहर से कोई आया है, तो सारे बच्चे जम गए दरवाजे के सामने.